जय हिंद साथियों, इस वक्त हम जौनपुर जिले के खेतासराय बाजार के अंदर एक गांव आता है मझोरा, और वहां पर शमीम साहब के घर पे शादी है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली माहौली साहब। तो हम उनसे कुछ मौजू पे बात करेंगे। जिस तरीके से आज भारत देश के अंदर एक फिरके की राजनीति चल रही है, भारत देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, भारत देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी उस तहजीब को पामाल करने की राजनीति चल रही है, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे उस मौजू पे। शौकत साहब, आप इस पे क्या? देखिए, जो भी हो रहा है ये राजनीति हो रही है, और मुझे लग रहा है कि इसके पीछे RSS और BJP है। 2024 के लिए अपनी राह मुआर कर रही है, और आवाम को समझना चाहिए इस चीज़ को कि जब 1991 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कानून पास किया था कि 1947 के बाद बाबरी मस्जिद राम मंदिर जो जन्मभूमि और या बाबरी मस्जिद उसको छोड़ करके बाकी जितने भी रिलीजियस पॉइंट हैं वो अपनी यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी। बावजूद उसके जब सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में ये कानून पास किया पार्लियामेंट ने, उसके बाद भी उन चीज़ों से छेड़छाड़ हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा शौकत साहब, जैसे अभी ये फवारा जो वहाँ पर निकला उसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवलिंग है, लेकिन वहीं पर काशी डोर के एक महंत ने ये कहा कि हम बचपन से वहाँ आते जाते रहते हैं, वो शिवलिंग नहीं फवारा है। अब तो वही लोग बताएं, लेकिन वो तो साबित है फवारा था, है और फवारा ही है। वो उसके अंदर सीख भी डाली गई और लगभग 30 मीटर तक वो सीख उसके अंदर गई, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई शिवलिंग का ऐसा होता है जिसके अंदर छेद हो। अब बाबरी मस्जिद में भी इसी तरीके से चोरी से मूर्ति रखी गई थी, मुकदमा भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो यही कहा गया कि बाबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबर को तो बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कोई कि वहाँ मंदिर था ही नहीं। बाबर बाइज्जत बरी हो गए ना, और कहा कि उसमें 500 साल तक नमाज पढ़ी गई है। तो इस तरीके से अब आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। खैर, हम उस फैसले पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर महंगाई भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरे देश के जहन को, आवाम के जहन को डाइवर्ट किया जा रहा है इस तरीके के धार्मिक मुद्दे को लाकर के। यानी ये माना जाए कि 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो जैसे 2014 और 2017 में एक माहौल क्रिएट किया गया था, उसी तरीके का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सच्चाई यह है कि बीजेपी अगर आज हर प्रदेश में कामयाब हो रही है देश के अंदर, तो मैं ये नहीं ये कहूंगा कि ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है बल्कि विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष पूरी तरीके से नाकाम है और विपक्ष का नाकारापन है जो बीजेपी इस तरीके से कामयाब हो रही है। विपक्ष को भी खड़े होना चाहिए, आवाम के दरमियान में जाना चाहिए, लेकिन अब बंद कमरों में बैठ करके डाइनिंग टेबल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, विपक्ष की आपने बात करी तो एक चीज मुझे याद आ गई कि अपने आप को मुस्लिम कौम का मसीहा कहने वाले अखिलेश यादव, जिन्होंने आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पे इतिहास तो रचा, उनको 90% मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हक के लिए वो नहीं लड़ सकते। यही तो हम सवाल करते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि मत बोलो वरना बीजेपी को फायदा हो। अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोलते कि वो ये सोचते हैं कि हमारा बहुसंख्यक वोट हमसे नाराज हो जाएगा, जबकि सच्चाई है कि बहुसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है ही नहीं, बहुसंख्यक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी के साथ एक हिंदू वोट बैंक है। अभी आप देखिए 2022 का जो इलेक्शन गुजरा, मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया बीजेपी वर्सेस समाजवादी, मुसलमान अपने मुद्दों पर वोट नहीं डाला, मुसलमान अपने इलाकों में स्कूल के लिए वोट नहीं डाला, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला, हॉस्पिटल के नाम पर वोट नहीं डाला, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाले जा रहे हैं उसके लिए वोट नहीं डाला कि हमें क्यों जेल में डाला जा रहा है, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, मस्जिद मदारिस की हिफाजत के लिए नहीं वोट डाला, किसके लिए वोट डाला? बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट डाला, यानी खौफ के नाम पर वोट डाला। तो मुसलमान जब तक अपने मूलभूत मुद्दों पर आकर के वोट नहीं करेगा,
जब तक मुसलमान कामयाब नहीं होगा और इस देश के अंदर इसी तरीके से इसे दबाया जाएगा, मारा जाएगा, परेशान किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो देश की आवाम को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, खुदा ना करे 1000 मरतबा की श्रीलंका की तरह हमारा देश ना हो जाए। चूंकि यहाँ के जो हालात हैं, महंगाई जो है, डीजल आप देख लीजिए, पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, खाद का रेट आप देख लीजिए, सीमेंट का रेट आप देख लीजिए, सब्जी का रेट आप देख लीजिए, इन सब मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए ये मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दे को लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे मत भटकिए, सरकार से सवाल करिए। बेरोजगारी है, रोजगार का मामला है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, लाखों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई है। सवाल करें सरकार से। अगर आप मंदिर और मस्जिद में उलझे रहोगे तो फिर आप देश को नहीं बचा पाओगे। चलिए, धन्यवाद मुफ्ती साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आप कुछ कहेंगे सुनील भाई? तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली माहौली साहब, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि अगर देश को बचाना है, संविधान को कायम रखना है, तो शिक्षा रोजगार पे ध्यान दे और सरकार से सवाल पूछने वाले बने, क्योंकि सवाल पूछने वाला, जब तक आप सवाल पूछेंगे आप जिंदा हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मुर्दे में और आप में कुछ फर्क नहीं है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख प्रहारी मुंबई से।